जिमी उसो और रोमन रेंग्स में से किसे मिलेगी जे उसो के या तो बड़ा धोखा? आखिर जे उसो अपने भाई और रोमन रेंग्स में से देंगे किसका साथ? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मैंने पहले ही अपने वीडियोस में बोला था कि नाइट ऑफ चैंपियंस में इन दोनों भाइयों की वजह से रोमन रेंग्स ये मैच हार सकते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ, एक गलती की वजह से पूरी ब्लडलाइन टीम टूट गई। फिर जिमी उसो ने जे के सामने रोमन रेंग्स को दे दनादन दो सुपर किक्स दे मारे, जिस वजह से रोमन और सोलो सिकवा की टीम ने केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम को हराने में नाकाम रही। और जिस तरह सैमी ज़ेन ने रॉयल रंबल 2023 में रोमन पर हमला किया था, ठीक उसी तरह जिमी के अटैक से जे का रिएक्शन देखने को मिला। मतलब जे काफी नाखुश थे और जिमी की तरह जे ने ट्राइबल चीफ पर हमला नहीं किया। मतलब अब भी रोमन के लिए उनके दिल में इज्जत है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी जे ने जिमी की बात नहीं मानी। अब बस देखना ही है कि रोमन और सोलो सिकवा के वैशी हमले से जे उसो अपने भाई का साथ दे सकते हैं, या फिर रोमन के ऑर्डर पर अपने भाई पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि सैमी ज़ेन के ब्लड लाइन छोड़ने के बाद जे ने सैमी के चिगनी चुगली बातों को इग्नोर करके अपने भाई को चुना। मतलब अरआल में ये दोनों भाई एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर रोमन और सोलो सिकवा ने जिमी पर हमला करने की कोशिश की, तो जे उसो अरआल में अपने भाई का साथ दे सकते हैं। और एक बार फिर रोमन को सुपर किक्स का मजा चखना होगा दोनों भाइयों का, और WWE फिर इन दोनों भाइयों का मैच सेट कर सकते हैं सोलो सिकवा और रोमन रेंस के टीम के साथ टैग टीम मैच के लिए। और वैसे ये मैच किसकी टीम जीत सकती है, हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।